नमस्कार फ्रेंड्स, आज एक ऐतिहासिक दिन 30 अगस्त 2023 रंगरेटा महासभा, सरदार मनजीत सिंह झारखंड के कर्ता धरता, और रंगरेटा महासभा जो कि बाबा जीवन सिंह शिरोमणि शहीद बाबा जीवन सिंह के जन्मस्थली जन्म दिहारे में शामिल होने के लिए हजारों लोगों की जत्थे को आज यहां से रवाना किया गया। रवाना करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी स्वयं स्टेशन पे मौजूद थे, जिन्होंने सब लोगों से मिलकर अरदास कर लोगों से हाल चाल पूछा और लोगों को विदा किया। लोगों को सुख शांति और आनंद से यात्रा मंगल में होने की कामना की, और सरदार जीवन सिंह सरदार शहीद शिरोमणि बाबा जीवन सिंह जी के जन्म दिहारे के उत्सव को मनाने के लिए उन सबों को बधाइयां दी। सरदार मनजीत सिंह ने सब जत्थे को लेकर उनकी सारी व्यवस्थाओं को ट्रेन में सुसज्जित करके सभी जत्थे को लेकर रवाना हुए। आइए कुछ झलकियां देखते हैं। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? आज संगत जो है आज इतनी खुश है। जी हाँ, ये हमारी संगत जो है, ये आज 400 का जत्था जो है, ये चेतना मार्च के द्वारा आज जमशेदपुर से रवाना हो रहा है पंजाब की ओर, और ये हमारे रंगरेटा सभा महासभा के जो है मनजीत सिंह गिल, उनके नेतृत्व में जा रहा है। इसमें देख ले, महिलाओं और बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और सब में बहुत खुशनुमा माहौल है, और सब अच्छे से जा रहे हैं, और जलियांवाला बाग में इन्होंने जाना है और अपना जो है वहाँ चेतना मार्च में शामिल होना है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भली भांति अपनी यात्रा इनकी सफल हो। क्या कहना चाहेंगे आप? जो जत्था जा रहा है आराम से शांतिपूर्वक जाए, अपनी यात्रा को सफल करे। क्या कहना चाहिएगा? बहुत अच्छा, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। बोले पवित्र यात्रा के लिए ये लोग जा रहे हैं, इसमें काफी सफल रहे, ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम है। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं धन्यवाद करता हाँ भाजी मनजीत सिंह का, जो कि इन्नी संगत हुम हुम आ के दरबार साहब चेतना मार्ग से लैके जा रहे हैं। गुरु महाराज उन्होंने सिर पर मेरा भरे हाथ रखे, और जिनी भी संगत जा रही है चंगी तरह पहुँचन, वो चंगी तरह अपन हाजरियाँ भर के वापस आन। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। जी आज हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं जत्था, और बाबा जीवन सिंह जी के बारे में जितना कहे कम है, वो हमारे सिर के ताज हैं। उनके बारे में थोड़ा इतिहास बताइए आप। शिरोमणि शहीद बाबा जीवन सिंह जी, जिन्होंने आज से तकरीबन 350 साल पहले हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, जो गुरु तेग बहादुर जी जो हमारे नौवे सिखों के नौवे गुरु थे, उनका शीश जो कलम कर दिया गया था अर्जुन देव जी के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, तो वो शीश जो लेके जाने वाले वो बाबा जीवन सिंह थे, क्योंकि कई लोग वहाँ पर थे लेकिन किसी ने उनके शीश को जो है कि सत्कार नहीं किया, लेकिन वो शीश लेके और गुरु गोविंद सिंह के आनंदपुर साहब में ले जाके पहुँचाया, और तब जाके गुरु गोविंद सिंह ने कहा रंगरेटे गुरु के बेटे, और जमशेदपुर में रंगरेटा समाज की बहुत बड़ी आबादी। और मैं जमशेदपुर के तमाम जो हमारे प्रधान जो यहाँ पर, जैसे सोनारी गुरुद्वारा के प्रधान साहब तारा सिंह जी, करतार सिंह जी, तरसिम सिंह जी, तरसिका सिंह जी, कई प्रधान आए हुए हैं, अभी सेंट्रल के प्रधान भी आने वाले हैं, अभी हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास के भी आने वाले हैं, मैं इन लोगों का स्वागत भी करता हूं, और इन लोगों ने जो हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए जो वहाँ यहाँ पर आए, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सभी को रंगरेटे समाज को विदा करने के लिए आज ट्रेन के पास जालियांवाला बाग एक्सप्रेस के पास मौजूद हैं और हजारों की संख्या में भीड़ है और ये सभी रंगरेटे समाज के लोग जो जत्था में जा रहे हैं बाबा जीवन सिंह जी के समय ये हमारे रंगरेटा समाज के द्वारा चेतना समिति द्वारा अध्यक्षता में करीब 450 से ज्यादा संख्या में दुनिया का एक पवित्र स्थल अमृतसर जो हमारा गुरु दरबार है जो समाज के कमजोर तबके के लोग दर्शन कराने जो चेतना महासभा ले जा रहे तो समिति को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं है क्योंकि समाज की कर्तव्य होता है कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब है उनको तीर्थ यात्रा कराना का काम ये समिति कर रही तो समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और जो यात्री तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं उनकी तीर्थ यात्रा उन लोग यही वाहेगुरु से आराधना है। आपने कुछ झलकियां देखी होगी जालियांवाला बाग एक्सप्रेस में बच्चे से लेकर बूढ़े तक कितने उत्सुकता से कितने उमंग से जन्म दिहाड़े में शामिल होने के लिए शिरोमणि शहीद बाबा जीवन सिंह जी के जन्म दिहाड़े में शामिल होने के लिए रवाना हो रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने सबकी विदाई करी और सब लोगों ने मिलकर जयकारा किया और सुख शांति से देश और दुनिया के विकास और शांति के लिए कामना की और ये मांगा कि बाबा हमें शक्ति दो कि हम देश की सेवा कर सकें। तो सरदार मनजीत सिंह जी बहुत ही मजबूती से और बहुत ही बेहतरी से ये जो आपका रंगरेटा महासभा झारखंड है उसको सुसज्जित कर रवाना हुए और सबसे विनती की कि हम सब लोग मानवता की सेवा करें, देश की सेवा करें, राज्य की सेवा करें, यही शिरोमणि शहीद बाबा जीवन सिंह जी का उद्देश्य रहा है जो कि एक हमारे सनातन हिंदू या भारत के लिए पूरे विश्व के लिए बाबा अपने आप में एक बहुत ही बड़े परिचायक, मानवता के परिचायक और मानवता के संरक्षक थे। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।